कटनी से है, जहां सीएम हेल्पलाइन की लंबी शिकायतों का सही तरीके से निराकरण नहीं करने पर चार तहसीलदारों को कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने चेतावनी पत्र जारी किया है। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की लंबी शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण तरीके से निराकरण नहीं कराए जाने पर तहसीलदार कटनी नगर संदीप श्रीवास्तव, तहसीलदार विजय राघवगढ़ राजेश कौशिक, तहसीलदार कटनी ग्रामीण एसएन त्रिपाठी और तहसीलदार ढीमर खेड़ा हरि सिंह ध्रुवे को नोटिस जारी किया है। इस चेतावनी पत्र में कलेक्टर ने कहा कि संबंधित अधिकारियों ने कारण बताओ सूचना पत्र जारी होने के बाद भी शिकायतों का निराकरण नहीं कराया। हर महीने सीएम हेल्पलाइन की लंबी शिकायतों के निराकरण के लिए जिला कार्यालय बुलाए जाने पर भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जिससे शिकायतों का निराकरण नहीं हो पा रहा है। 3 माह से राजस्व विभाग डी और सी ग्रेड प्राप्त कर रहा है, जिससे जिले और विभाग की ग्रेडिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और शिकायतों के संतुष्टिपूर्ण निराकरण में अपेक्षाकृत सुधार नहीं हो पा रहा है। अंतिम चेतावनी पत्र जारी करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को माह अप्रैल में प्राप्त शिकायतों का अत्यधिक संख्या में निराकरण कराने और 50 दिन की लंबी शिकायतों का 3 दिनों में निराकरण कराने के लिए कहा है। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 36 की निवासी शोभा सिंह के अविवादित नामांतरण के आवेदन के मामले में कटनी तहसीलदार को कारण बताओ पत्र जारी कर 3 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। निर्देशों का पालन नहीं करने पर वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही करने की भी चेतावनी दी गई है।